उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान जारी है और सभी दल जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में आज एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई वादे किए लेकिन काम समाजवादियों ने किया है। नोटबंदी के फैसले से आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है, इस बार साइकिल वालों की हवा चल रही है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब तो कांग्रेस भी हमारे साथ है। नोटबंदी पर बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि जमा कराए गए पैसों से कितना काला धन निकला, अब इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा चालू हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काले धन की बात करने पर बीजेपी के लोग भाग रहे हैं। पैसा काला और सफेद नहीं होता है, सिर्फ लेन देन काला या सफेद होता है। कैराना से पलायन के मुद्दे पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले में सेना बनाने की बात कर रही है, लेकिन पीएम मोदी खुद गुजरात से पलायन कर लखनऊ आए हैं और यहां से दिल्ली चले गए। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी से व्यापारी और मेहनत करने वाले दुखी हैं। कांग्रेस के सपा के साथ आने से कन्फ्यूजन दूर हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ आने से पार्टी के अंदर के लोग ही नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अलायंस की क्या जरूरत थी। इस पर हमने कहा कि अलायंस तो बड़े दल से ही होगा, दोस्त कंजूस नहीं होना चाहिए, दोस्त मजबूत हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों में उनका निशाना मोदी सरकार ही होती है। आज भी उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। देखते रहिए डीबी लाइव।